जब कोई मुश्किल बढ़ जाए तुम देना साथ। बोलिए ना, तुम क्या बोले यार। Assalamualaikum my YouTube family, welcome to Masala Vlogs and another vlog. मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? और आज का व्लॉग जो है मैं असर के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लेस्ड फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे। जी हाँ, आप सबको जो है जुम्मा मुबारक हो। तो जी आज का व्लॉग जो है असर की नमाज के बाद से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था अरमान हसन, जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे इतनी अच्छी जो है बेकरी के आइटम्स मिल रहे हैं, आपके फेवरेट फेवरेट तो आलू खा। बेकरी में तो आपको कैंटीन में जो है ट्राई करना बनता है, बस ये कि शाम के वक्त नहीं जाइएगा, सुबह के वक्त जाइएगा, फ्रेश फ्रेश चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मुझे पता नहीं क्यों आपका ये जो खाने पीने का माशाल्लाह माशाल्लाह शौक है, सब इतनी हंसी आती है। मतलब बस जी आप जरूर जाइए, आप जरूर जाइए, वहाँ पर जरूर ट्राई कीजिए। और आप इतनी जो बदपरहेजी करते हैं तो बीपी तो हाई होगा ना, आपने फ़ौरन फ़ौरन जल्दी जल्दी से डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना है। और मुझे जो है कमेंट में आपने हमें बताना है कि आप जो है डॉक्टर कैसे होकर आ चुके हैं। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बीपी हाई है ये बहुत बुरा होता है, जाहिर बात आपकी अपनी तबीयत भी ख़राब रहती होगी। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपने डॉक्टर को जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप डॉक्टर कैसे होकर आ गए, जल्दी जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाइए और अल्लाह पाक आपको शिफा दे, सेहत दे, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आप इसी तरीके से हंसते खेलते रहें, खाते पीते रहें, हर चीज़ को जो है फूड को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि खाना पीना ज़िंदगी। और मुझे ऐसे लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, खाते पीते ज़िंदगी को इन्जॉय करते हैं। चले जी ब्लॉग को जो स्टार्ट करते हैं। सर्दियाँ आ चुकी है, सांस में एक सर्दी की महक आ रही है, तो बनेगा सूप। वीडियो को नहीं किया लाइक, जल्दी से कर लो लाइक। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइब मेरे प्लीज जल्दी से बढ़ा दीजिए। चलो फिर किचन में चलते हैं, बनाते हैं सूप। आज जो मैं चिकन का सूप बना रही थी, और फिर मैंने बहुत दिनों से जो है अपने नेबर्स के साथ भी शेयर नहीं किया था, तो मैं इतना बनाई थी, मैंने सोचा चलो जी इसको ना अपने नेबर के साथ जो है शेयर भी कर लूँगी। चले जी सूप जो है मैंने चढ़ा दिया है, और यखनी जो इसकी बनती है तो फिर आपको दिखाते हैं कंप्लीट सूप बना के। और इसके साथ मुझे कहना था मैं भी शापिया, मैं भी शामिर आपकी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, हाँ मेरी फूफो को जो है आपकी दिखा दिया भाई, आपके फूफो को दिखा दिया, डॉक्टर उनको पसंद आ गया है। और बस ये दुआ में याद रखिए, सेहत याबी की दुआ किया कीजिए फूफो के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी जो है जल्दी अच्छी हो जाएगी, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ मुझे अच्छा नहीं, मुझे यहाँ पे कहना था पीस पीस भाई थोड़ा सा और गाइड। देखो मुसरत मिसबा का जो फाउंडेशन है ना, वो तो मतलब कह, देखो मेरा बाल कैसे हो रहा है, देखो वर्मन जैसी हो रही हूँ मैं। तो मुसरत मिसबा का फाउंडेशन जो है वो मेरे बजट से आउट है, क्योंकि बहुत दिन पहले तो वो 2800 की बॉटल मिल रही थी, अभी तो फिर 3000 जो है समथिंग हो गया होगा उसकी प्राइस, तो वो तो मैं नहीं ले सकती। हाँ जी मिस रोज और मेबलाइन लाइन जो है वो मैं चेक कर सकती हूँ, उसकी प्राइस जो है कुछ 1500 से लेकर 2000 के दरमियान में थी, तो वो हम चेक कर सकते हैं अगर उसकी कवरेज अच्छी है आप बता रहे हो तो। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मिस रोज जो है वो तो 1000 के अंदर अंदर है, वो देख सकते हैं। तो आप बोलो बिन हाशिम अमजा, ठीक है जी वहाँ पे देखेंगे, अभी शादी की तरफ करीब करीब डेट आ जाए तो फिर हम फाउंडेशन की शॉप में। अच्छा जी मुझे ये गाइड कर दो कि केक जो होता है प्लेन केक, मैंने हमेशा वो ट्राई किया है, तो उसको जो है वो मेरे फेस का टोन जो है, क्योंकि मेरी वीडियो पे आपको नजर आता होगा फिल्टर विल्टर नहीं है, लेकिन नेचुरल मेरा कलर है, उसको फेयर बोल दो, उसको गंदूमी बोल दो, जो भी बोल दो, तो इस पर जो है एक टोन कम फाउंडेशन कौन से नंबर का आएगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती हूँ फाउंडेशन खरीदने में। मेरे फेस पे कहते हैं ना फाउंडेशन जो एक टोन अपने टोन से कम लेना चाहिए नंबर, तो अगर आप कर सकते हो तो आप इसमें मुझे गाइड कर दो कि मेरा और सभी का फेस टोन एक जैसा है, तो इस पर एक नंबर कम कौन सा फाउंडेशन जो है हमें आएगा, प्लीज़ इस पर गाइड कर दें। चलिए जी यखनी में जो है बॉयल आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, यखनी में परफेक्टली जो है बॉयल वगैरह आने लग गया है, तो इसको यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से मैं सूप बना रही हूँ। और सूप जो है आज अपने पड़ोसी जिंदाबादों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो मुझे कहता है अच्छा ऐसे, हाँ भाई आपने बिल्कुल सही कहा यार, एक महीना जो है 18 दिसंबर बहुत लेट हो जाता है, बस अल्लाह का ये शुक्र है कि अपॉइंटमेंट मतलब डॉक्टर भी, और डॉक्टर अच्छे हैं, उन्होंने वही पैटर्न दिया, बस ये 200 थोड़े दवाइयों को जो है बढ़ा दिए, क्योंकि पता है कि रिपोर्ट मम्मी की खराब आई थी ऐसे, और शुगर जो है पर डिस्टर्ब आया तो वो डोज बढ़ाना तो बनता था, तो लेकिन हाँ अब इतने दिन में हमें आइडिया तो हो गया है कि मतलब अगर हाँ दवाई को चेंज करते तो फिर टेंशन हो जाती, क्योंकि फिर मम्मा को सूट दवाई करेगी नहीं करेगी फिर ये होता, लेकिन नहीं उन्होंने उसी पैटर्न में डॉक्टर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और बस ये एक आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कहीं पर जाके, तो बस हमें जो है वहीं पर जाके सेटिस्फेक्शन होती है। और जल्दी जल्दी से चले जी सूप बनाते हैं। यहाँ पे जो है सूप बन चुका है, अब जरा मामा कह रही है सबसे पहले खुद खाने से पहले पड़ोसी जिंदाबादों को दे दिया तो निकालते हैं सूप। चलिए जी अब मैं सूप निकालती हूँ। और यहाँ पे मुझे कहना था माई किचन रेसिपी, थैंक यू जो भाई आपको मेरी फ्रॉक जो है पसंद आई, मामा ने सीधी बड़े प्यार से मुझे बहुत खुशी हुई।
और बस ये आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक अल्लाह इतने प्यारे कमेंट के लिए, इतने प्यार के लिए, और बस इसी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए, ठीक है। पड़ोसी जिंदा बातों के लिए इतना इतना सही है सूप। और सभी का यहाँ बना रही है, आज आ गई है बैगन स्पेशलिस्ट। जी हाँ, बैगन स्पेशलिस्ट सभी का आप बताना पसंद करेंगे, आपको बैगन पे स्पेशलिज्म में कितना टाइम लगा? थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ व्यूअर्स तक जाती नहीं है। बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, मैं बता नहीं सकती, इतना कॉन्फिडेंट है। आज ये बैगन आलू बना रही है, हमारे घर में बैगन आलू यही बनाती है। तो अच्छा जी, सूप बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा नॉटी लग रहा है, करीब से आके नॉटी नॉटी सूप को कैमरा वुमेन जरा कैप्चर कीजिए। हमारी सभी का ना वो कितना नॉटी सूप, टमाटर आलू की भी स्पेशलिस्ट है। हाँ, ये बोल दी ना कि बहुत टाइम लगा स्पेशलिस्ट में। चले जी, ये दो पड़ोसियों के जा रहा है और इसको जो है हम कवर करते हैं। और ये इसको कवर नहीं करो, गिरा दूंगी, तो इसको जो है मैं ऐसे ही लेके जो है जाती हूँ। चले जी, जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आके वापस। सही जी, मैं जो अरीशा वालों के भी गई थी लेके, तो उनकी मामा जो है मीठी सेवैयाँ उन्होंने बनाई, और यकीन मानिए बहुत मज़े की, मैंने तो टेस्ट कर लिया। अब सभी के लिए गर्म गर्म सेवैयाँ, तो इसको जो है तुम फ्रिज में रख दो, उसके बाद जब तक हम लोग सूप पीते हैं फिर इसको इन्जॉय करेंगे। चलिए जी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, फिर इन्जॉय करूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, भाभी ने बनाई है, अच्छी लग रही है। चले जी, पापा जो है नीचे गए थे और वहाँ पे हमारे ये समोसे वगैरह जो है पापा लेकर आए हैं। और भाई मसला भाई कि लिफ्ट खराब हो गई, भाई पहली फुर्सत से सबसे पहला काम जो है लिफ्ट घर बदलना है ना पापा, एकदम जैसे लिफ्ट जो है परेशान हो गए। मेरे पापा मेरे लिए समोसा लेकर आए, मेरे पापा लेकिन क्या हालत पापा की हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ गए। अरे पापा घर नहीं बदलते यार, थोड़ा सीढ़ी चढ़ लीजिए, अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना, अभी नहीं बदल रहे, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं भाई लिफ्ट ऐसी तरह से रहे कुछ करना। मेरे पापा की हाल है, पापा कुछ बोल दीजिए ना, पापा को छेड़ो तो पापा कुछ बोलते हैं, पापा कुछ बोलिए ना, तुम तो क्या बोले यार बोल दिए। यहाँ पे जो है समोसे सर्व हो रहा है, पीछे की बात जो है बाप बेटे की हो रही है। आज जो है वो सरदार के लिए अपना लाइसेंस बनवाने गया था, पापा को अपडेट दे रहे हो, पकोड़े शकोड़े भी आए। अम्मी मैं खाऊंगी भाई, मम्मा मैं खाऊंगी भाई, ये पूरे। हाँ वाह वाह वाह, मेरे पापा लाए। हाँ पापा लेकर आए चूड़ा, आए होए होए मम्मा भाई आधा तो मुझे नहीं। आप ये देखें भाई, हमारे पापा जो है लेकर आए हैं और फिर थोड़ी सब्जी वगैरह लेकर आए हैं। लाइसेंस के लिए पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों में जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन के आ जाएगा। परमानेंट बन रहा है लाइसेंस तुम्हारा? परमानेंट। कितने खर्चा हुआ? 5,000 का। कितने कितने लगे? 5,000 रुपये लगे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना है, 5 साल के लिए बना है। और इंशाल्लाह आ जाएगा, तो जब आएगा तो बताऊँगी भाई। अच्छी बात है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर हो गया था, तो फिर आपको पता है कि मसले होते हैं, तो इसलिए उसने जो है बना लिया। चलिए मैं पकौड़े जो इन्जॉय कर, डिनर वगैरह कर लिया है। बैगन स्पेशलिस्ट सभी का के हाथों का जो है बना हुआ बैगन जो खाया, सूप पिया, बड़ा मज़े का, बस सब कुछ बहुत अच्छा लगा। डिज़र्ट भाभी ने बहुत मज़े का बनाया था सेवैयाँ, वो जो है ज़्यादा मैंने ही खाई, बड़े मज़े की थी। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे नूर, यार ये तुमने कैसी बात कर दी, मतलब कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, कॉमेंट करते हो, मेरी वीडियो देखते हो, और मैं आपको भूल जाऊँगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बात पहले नहीं करनी चाहिए, जब वक्त आएगा जब मैं आपको इसी तरीके से प्यार करती रहूँगी, आपको वीडियो में नाम लेती रहूँगी, तब आप बोलोगे कि हाँ जी मैंने ये क्या बात कर दी, और यार लव यू लव यू लव यू, बिल्कुल कमेंट करो रोज़ इंशाल्लाह। नूर आपका कमेंट जो है स्क्रीन पे शो होगा, आपका नाम जो है वीडियो में आएगा, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा इसका नहीं आएगा, सबका नाम आता है इंशाल्लाह। आमीन। और मुझे यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, चले दिखाते हैं। ये हो रहा है कि मम्मा के पाँव में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सभी का जो है अपनी कारस्तगी जो है यहाँ पे दिखा रही है मम्मा के पाँव में। और वो देखें, ये ड्रायर मशीन भी रखी हुई है, ब्लर मशीन रखी हुई है ना, ब्लो ड्रायर है, इससे मैं ना ये इस तरह से स्टीम करती हूँ, स्टीम कर करके ये ऐसे बाम ना इस तरह से। अभी मेरी अम्मा थोड़ा शर्मा रही है कैमरे में, इससे पैर को पूरा कवर किया हुआ है। हाँ। थोड़ा सा कमर ऊपर कर लिया ऊपर। यहाँ पे देखें सभी का जो है मम्मा का कर क्या करती हो, अच्छा शोर की वजह से आवाज़ नहीं आएगी उसकी, सभी का थोड़ा दूर है। यहाँ पे इस तरीके से ये मम्मा के जो है पाँव में अच्छा ही देती हूँ, और ये स्ट्रीम देती है, ये इसके कालेपन पे ना जाना, ये ना पकाता है इसलिए। ये है क्या? ये होममेड बाम है, मतलब हाँ। इसमें काफी चीजें मिला के बनाई है, इसलिए ये काली हो चुकी है। इसकी रेसिपी बताओगी? अभी मुझे याद नहीं है, मतलब ये मैं नहीं बनाती हूँ, भाई बनाते हैं। अच्छा मामा, आप बताएंगे कि इस होममेड से आपको फ़ायदा है कि नहीं? अगर फ़ायदा है तो अगर व्यूवर्स चाहेंगे तो उन्हें फिर हम बताएंगे। बहुत आराम मिला, मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ, बहुत दर्द था ना, बहुत दर्द। अभी तो मैं रुकी हुई हूँ वीडियो की वजह से, इसको ऑन करती हूँ गर्म करके, फिर उसके बाद ये गर्म पट्टी रखी है, इसको अच्छी तरह से लपेट देते हैं। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल, एक मिनट रुको करके दिखाओ, मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। ये देखें इस तरीके से कल रात में मम्मा के पाँव में इतना दर्द था,
के मम्मा जो है वो रोने लगी थी आंसुओं से, तो फिर जो है सभी का इस तरीके से ये होम मेड बाम जो है, मम्मा का ये है ना, मम्मा दबाने नहीं देती है, बस ये ऐसे ऐसे दबाओ तो उन्हें दर्द होता है। काफ़ी इफेक्टिव ये जो है बाम है, ये घर में मतलब बनाया इन लोगों ने, तो ये बहुत ज़्यादा। मम्मा ऐसे तो डॉक्टर ने दवाई दी है, पर मम्मा कह रही थी कि मेरी सांस रुक गई है, तो डॉक्टर की दवाई ऑफ कोर्स टाइम लगती है हील करने में, तो हमने कहा कि चलो ये तब तक ये कर लेते हैं। चले जी ये बैंडेज होती है और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है मम्मा की बैंडेज हो चुकी है और उसको हीट वगैरह दे के जो है अभी सभी का जो है इसको कर देगी। रात भर रहेगा ना? हाँ ये रात भर रहेगा, फिर सुबह मम्मा उठा देंगी। चलो ये मैं सही से हीट ऐसे ऐसे कर देती हूँ, मम्मा का पैर बिल्कुल नहीं जला है क्योंकि अंदर गर्म पट्टी है और मैंने हीट भी कम रखी है। ओके ओके। वहाँ पे जो है बैंडेज वगैरह हो गई है, जिस तरह माँ बाप से जो है औलाद की तकलीफ दर्द नहीं देखा जाता है ना, औलाद से भी जो है माँ बाप की तकलीफ और उनका दर्द जो है वो नहीं देखा जाता है। हमें बहुत तकलीफ इस वक्त हो रही है जो मम्मा इतनी हैसियत में है पैर के दर्द को लेके। खैर अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कहना था नूर तुम्हारी मम्मा जो है मुझे देखी, उन्हें मैं अच्छी लगी, उनके लिए बहुत सारा मेरा प्यार। मम्मा माँ तो भाई सबकी माँ होती है, किसी एक की नहीं होती है, वो सबकी होती है, तो भाई उनको जो है मेरी तरफ से मेरा बहुत सारा लव, तुम्हारी मम्मा के लिए बहुत सारा लव मेरी तरफ से। और मुझे यहाँ पे कहना था सालन रोटी ऑफिशियल कैरन लॉन जो है नो डाउट कि वो बहुत बेस्ट है, पर वो मेरी रेंज से जो है आउट है, वो ओरिजिनल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं लगता मैं अफोर्ड कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं जाऊँगी इम्तियाज़, पापा ने मुझे बोला है कि इम्तियाज़ चली जाओ, तो पीस ने भी मुझे कहा है कि इम्तियाज़ अबिन हाशिम में जो है ओरिजिनल मिलेगा, तो मैं इम्तियाज़ जाऊँगी तो मैं कैरोलॉन जो है ज़रूर पता करूँगी, देखते हैं क्या रेट है। तो चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और बस वही बात है कि आप में से जिसको भी पता हो मेरे फेस टोन पे कौन सा फाउंडेशन जो है सूट करेगा, तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए ताकि मुझे जो है शॉपिंग करने में फाउंडेशन की ईजी रहे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा मेकअप जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का, मेरा बेस जो है बहुत अच्छा बने। और इसके साथ ही जो है रुखसाना तला, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतनी प्यारी बात करने के लिए। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये तो मतलब एक हसीन खूबसूरत ख्वाब है, और बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरा करें। आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहिए, प्यार करते रहिए, जितने सब्सक्राइबर्स में मैं खुश हूँ बस आप लोग जो है मुझे इसी तरीके से लगे रहिए मेरे साथ, मुझे प्यार करते रहिए, इंशाल्लाह वो जर्नी भी हम जो है सब मिलके एक साथ ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच इतने प्यार, इतने मोटिवेशनल बातें करने के लिए, इतना मोटिवेट मुझे करने के लिए, मुझे चने की झाड़ पे चलाने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। इसी के साथ ही जो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और ये सभी का जो है आ गए क्या होगा ये देखें, अभी मैंने हाथ वॉश लिया है तो मुँह पे। हाँ नहीं, चाइनीज साइगोन जो आएगा चाइनीज खाना खाएगा। ये देखो मैंने बॉयकट कटवा लिया जी, नहीं बाल दिखाओ पीछे से, साइगोन मेरे बालों पे बोल देगा। ये देखिए ये साइगोन जाएंगे, है साइगोन वाला भी कहेगा चाइनीज खाना मैं बना तो कहा से चाइनीज आ गया मेरे खाना करे चाइनीज। पिक्चर मैंने बहुत मस्ती की, बहुत सारे पिक्चर्स लिए कल, वो मैं कम्युनिटी पे भी, कल क्या मतलब जब वीडियो आपको मिलेगी मैं कम्युनिटी पे जो है लगा दूँगी। इसी के साथ ये वीडियो पसंद है, चाइनीज सैगून जाएगा, कब जाओगे सैगून? नेक्स्ट वीक। अभी मामा का पैर थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा बस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी तो खाना है ना, मुझे भी तो खाना है, भूख लग रही है। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, और इसके साथ ही जो है हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे कर लीजिए फॉलो। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। कैमरा नहीं ना, हम मिलते हैं, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नमाज़।